हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, मैथ्स कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, साथ साथ उम्मीद है कि आप सब लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। जो भी सेशन 2022-23 के स्टूडेंट्स हैं, सबको ये चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बनता है। अगर पसंद नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट कमेंट करके बताना है कि और आपको क्या चाहिए जिससे आपको चैनल का कंटेंट बेनिफिटेबल लगे और पसंद आए, ताकि आप आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकें। तो जो भी है कमेंट आपका, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आपके सजेशन का हमेशा से स्वागत रहा है और आगे भी स्वागत रहेगा। आपके सुझावों के साथ साथ, आपकी कंप्लेंट के साथ साथ हमने धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करी है और आगे भी इसी तरह हम कोशिश करते रहेंगे। तो आज की जो इस क्लास है, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में। तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स क्या होता है, क्या क्या इसके बेसिक्स होते हैं, कौन कौन से फार्मूलाज इसमें आपको करने हैं, जो भी फार्मूलाज हम यहाँ पर आज करने वाले हैं उनके सबके मैं डेरिवेशन आपको समझाने वाला हूँ। वो डेरिवेशन अगर आप समझ जाते हैं तो फार्मूला अगर आप याद नहीं भी रख पाते हैं एग्ज़ाम में, तो कम से कम आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम डेरिवेशन करेंगे, वो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो आप उसको ईजिली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर। वाइट बोर्ड नहीं, एक्चुअली ब्लैक बोर्ड ही हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। अब बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है। तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या टर्म्स वो होंगी, तो वो सारी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं और आप इनको एक समझे के करके। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्पीड ऑफ बोट की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पीड ऑफ बोट? जब भी आप किसी रिवर में फ्लो कर रहे हैं, रिवर में आप जा रहे हैं, तो आपके जाने की जो स्पीड होगी, मतलब बोट की जो स्पीड होगी, वो होगी आपकी स्पीड ऑफ बोट। और इसको हम डिनोट करेंगे एक्स किलोमीटर पर आवर से। यहाँ पर हम जितनी भी यूनिट्स लेंगे ना, वो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही लेंगे। अगर कहीं मीटर पर सेकंड में स्पेसिफाई किया हुआ है तो बात अलग है, उसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में तो कन्वर्ट कर लेंगे, या सबको फिर हम उसी हिसाब से लेंगे। तो मैं यहाँ पर सबके अंदर यूनिट नहीं लिखूँगा। यूनिट हम क्या नोट कर रहे हैं, डिस्टेंस के लिए किलोमीटर, टाइम के लिए आवर्स, और स्पीड के लिए किलोमीटर पर आवर। यही यूनिट हम सब में यूज़ करेंगे। दूसरा आता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब, या आप करंट भी कह सकते हो, जो पानी का फ्लो होता है, पानी जिस स्पीड से बढ़ता है। कभी कभी आप देखते हैं पानी बहुत तेज़ स्पीड से बढ़ रहा होता है, कभी कभी पानी धीरे 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 चल रहा होता है। तो जहाँ पर पानी धीरे चल रहा है या पानी तेज़ चल रहा है, तो वो जो पानी का बहाव होता है, वो पानी का जो फ्लो होता है, वो आपकी स्पीड पर इफ़ेक्ट डालता है। अगर आप किसी शांत रिवर में जा रहे हैं तो आपकी अपनी जो स्पीड है, आप अपनी उसी स्पीड से चलते रहोगे। बहुत थोड़ा मामूली सा फ़र्क क्या पड़ेगा, जो बहाव का फ़र्क है वो भी आपको अपनी स्पीड देगा, थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी नदी में जा रहे हैं जिसका फ्लो तेज़ है, अब वहाँ जाना तो काफ़ी रिस्की है, लेकिन अगर आप जा रहे हैं, आप खतरों के खिलाड़ी हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जो पानी का फ्लो होगा वो भी अपनी स्पीड आपको देगा, प्लस आपकी अपनी स्पीड तो होगी होगी, दोनों मिलकर आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो पानी का फ्लो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसको हम डिनोट करते हैं वाई किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड, अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप भाई जैसे जैसे पानी के फ्लो के साथ जा रहे हैं, पानी इधर जा रहा है और आप भी इधर जा रहे हैं, डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के फ्लो के साथ आप जा रहे हैं, जिस तरफ नदी बह रही है उसी तरफ आप जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड और पानी की स्पीड दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होने का मतलब है यहाँ पर आएगा, इसको हम डिनोट करेंगे यू से, म्यू से डिनोट करेंगे। ये क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई। यह आप कह सकते हो कि U का एक फार्मूला बन गया आपके पास, x प्लस वाई किलोमीटर पर आर, क्योंकि ये भी स्पीड है तो किलोमीटर पर आर में रहेगी। जो अपस्ट्रीम स्पीड है इसको हम डिनोट करेंगे V से। अपस्ट्रीम का मतलब है यहाँ पर है, सही में खतरों के खिलाड़ी वाली बात तो यहाँ है, पानी के फ्लो के साथ तो कोई भी चल देगा। जैसे एक कविता भी है बड़ी की, भाई मेरे को याद तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा अर्थ याद है कि भाई धाराओं के साथ साथ जो चलता है वो क्या खिलाड़ी है, खिलाड़ी तो वो है जो धाराओं के विपरीत चलता है, यानी जीवन की परिस्थितियों के विपरीत चलता है, मतलब उसका वहाँ पर वो है। तो वहाँ से जो वो सक्सेस प्राप्त करता है वो असली खिलाड़ी है। तो डाउन अप स्ट्रीम स्पीड में जो जा रहा है, मतलब पानी तो इधर जा रहा है, आप भाई इधर आ रहे हो, आप कह रहे हो कि जाने दो पानी को इधर, हम तो इधर आएंगे, लेकिन उधर आओगे, हिम्मत आपकी ठीक है लेकिन आपकी स्पीड कम हो जाएगी।
स्पीड कम क्यों होगी? क्योंकि आप तो इधर आना चाह रहे हो, पानी आपको उधर धकेलना चाह रहा है, ठीक है। पानी अपना फोर्स लगाएगा, आप इधर फोर्स लगा रहे हो, तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? जितनी आपकी स्पीड है उसमें से पानी के फ्लो की स्पीड कम कर दो। अब इस स्पीड से आप बढ़ना चाह रहे हो आगे। टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम, जब आप डाउन स्ट्रीम फ्लो कर रहे हो तो कितना टाइम ले रहे हो, उस टाइम को हम डिनोट करेंगे T1 से, T1 आवर्स। और टाइम टेकन अप स्ट्रीम, इसको हम डिनोट करेंगे T2 से। और कितना डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं, इसको हम डिनोट करेंगे D से। अब यहाँ पर हम D1, D2 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो फार्मूले हम डिराइव करेंगे ना, वो सारे फार्मूले ऐसे होंगे जिसमें आने का और जाने का जो डिस्टेंस है वो सेम है। जितना आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो उतना ही आप बैक अप स्ट्रीम आ रहे हो, या जितना आप अप स्ट्रीम जा रहे हो उतना ही आप डाउन स्ट्रीम वापस आ रहे हो। यानी आना और जाना दोनों का डिस्टेंस जब बराबर होगा, तो आज की जो स्लाइड है, आज की जो क्वेश्चंस है, आज की जो वीडियो है, उसमें हम जो भी फार्मूलेज करेंगे वो इसी से रिलेटेड करेंगे, जब डिस्टेंस आने और जाने का इक्वल होता है। और एक्चुअली इस कंसेप्ट में ना आपके क्वेश्चंस इसी तरह के आने, एक दो क्वेश्चन हालांकि बुक में ऐसे दे रखे हैं जिसमें डिफरेंस आने जाने का डिफरेंट है, लेकिन वो क्वेश्चन चले जाते हैं दूसरे लेवल पर। यानी वो अगर आप मैट्रिसेस की जब आप करेंगे ना, उसमें वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, तो वहाँ पर उस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो हम फार्मूले करेंगे, उन फार्मूले उसमें सिर्फ वही फार्मूले हम करने वाले हैं जिसमें आने और जाने का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। अब फार्मूले हम करते हैं। पहली सिचुएशन हमारे पास क्या आई, पहली सिचुएशन में हम देखते हैं भाई एक्स और वाई की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है। एक्स मतलब जो हमारी बोट की स्पीड है, और वाई मतलब जो पानी का फ्लो है उसकी स्पीड है। अब यहाँ पिछली जो स्लाइड है उसमें हमने एक फार्मूला देखा, कौन सा फार्मूला देखा, हमने देखा कि भाई यू का फार्मूला तो एक्स प्लस वाई है, और वी का फार्मूला एक्स माइनस वाई है। तो इन्हीं दोनों को हमने यूज़ किया, यू का फार्मूला एक्स प्लस वाई है और वी का फार्मूला एक्स माइनस वाई है। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ गया यू प्लस वी इक्वल्स टू 2x, 2 को इधर लाओगे तो x की वैल्यू बन गई u प्लस वी अपॉन में 2। तो आपके पास एक फार्मूला ये बन गया, यानी जो x का फार्मूला है, अगर आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दे रखी है तो आप डायरेक्टली स्पीड ऑफ बोट निकाल सकते हो, सिमिलरली आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी निकाल सकते हो। इन दोनों को ऐड करने की जगह इन दोनों को माइनस कर दो, या x की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट कर दो, बाद एक ही है। ये हमारे पास फार्मूला था। अब आपने यहाँ पर ऐड करने की बजाय सबट्रैक्ट कर दिया, तो सबट्रैक्ट करने से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा u माइनस वी इक्वल्स टू 2y, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा u माइनस वी अपॉन में 2। तो एक फार्मूला हमारा ये बन गया। तो ये दो फार्मूले हमारे पास बन गए। अगर x की वैल्यू आपको निकालनी है डायरेक्टली तो ये फार्मूला लगाएंगे, y की वैल्यू निकालनी है तो आप सीधा ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन अभी हम इसके नहीं कर रहे हैं, हम इस वीडियो में सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट समझने के बाद यकीन मानो कि अगर आप क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, तो बड़े आराम से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए एक्स क्या है, वाई क्या है, यू क्या है, वी क्या है, टी1 क्या है, टी2 क्या है और डी क्या है। वो सब मैं पहले पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ कि ये सब कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद आपको सिर्फ उन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है, पुट करने के बाद उनको सिंप्लीफाई करना है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला बनता है, नेक्स्ट फार्मूला कह रहा है इफ ए बोट कवर ए डिस्टेंस डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन T1 आवर्स एंड कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन T2 आवर्स। जो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है अगर वो T1 आवर्स में हम कवर कर रहे हैं, और जो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस है वो अगर हम T2 आवर्स में कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या फार्मूला इसके सिचुएशन में आपके पास बनता है? टाइम का जो फार्मूला होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये सब हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते जा रहे हैं, तो उसी फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है, डाउन स्ट्रीम का टाइम है T1, तो T1 का जो फार्मूला आप निकालोगे, आप डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं वो हमने D से डिनोट करते हैं, भाई इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। स्पीड किसकी लेंगे हम? स्पीड लेंगे डाउन स्ट्रीम की, क्योंकि हम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई हमारी स्पीड प्लस बोट की स्ट्रीम की स्पीड, यानी x प्लस वाई। और T2 क्या होगा? T2 नाम नहीं है यहाँ पर, T2 मतलब जो सेकेंड वाला जो डिस्टेंस टाइम है वो। अब ये टाइम कितना होगा? D अपॉन में,
यहाँ पर स्पीड कौन सी लेंगे? अब यहाँ टी टू किसका टाइम है? अप स्ट्रीम का टाइम है, तो यहाँ पर स्पीड आ गई एक्स माइनस वाई। अब आप इन दोनों को अपॉन में कर लो, दोनों की रेशो निकालो, टी वन अपॉन टी टू या टी टू अपॉन टी वन, तो टी टू अपॉन टी वन निकालेंगे हम, तो टी टू की वैल्यू ये है हमारे पास डी अपॉन में एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू है डी अपॉन में एक्स प्लस वाई। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर पहुंच जाएगी, तो टी टू अपॉन में टी वन का फार्मूला बन गया एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले से हम एक फार्मूला और बना देते हैं यहाँ पर। क्या बनाते हैं? ये जो फार्मूला हम ले रहे हैं, इसी फार्मूले को हम यूज़ करते हैं, अगर आपने सुना हो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, वर्ड सुना है? नहीं सुना? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, एट क्लास की बातें हैं, सुना होगा तो हो सकता है भूल भाल गए हो, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, इस डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के अंदर हम ऐड कर देते हैं, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, और एक बार माइनस कर देते हैं, और दोनों साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे, राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो उसी कंसेप्ट का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं न्यूमरेट कंपोनेंडो और डिविडेंडो, यानी अगर मैं लिख दूँ ऐसे यूजिंग सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, टी टू प्लस में टी वन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी टू माइनस टी वन, इधर आ गया एक्स प्लस वाई, और डिनोमिनेटर ऐड करेंगे तो एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अगर आप माइनस करोगे, इसको आप माइनस करोगे, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स माइनस का हो जाएगा, वाई प्लस का हो जाएगा। आप यहाँ से देखो, आपके पास वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो टी टू प्लस टी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, इसका फार्मूला बन गया हमारे पास टू एक्स अपॉन में टू वाई, टू से टू कैंसिल, तो एक फार्मूला हमारे पास ये बन गया टी टू प्लस में टू वन ये आ गया, ठीक है। ये दो फार्मूले हमारे पास बन गए। अभी एक बैंड बज रहा, बाहर बारात जा रही है, उसको निकलने देते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो फार्मूला हमारे पास है वो आता है एवरेज स्पीड का। अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली निकालते भी हैं, अगर हम कोई यहाँ से मान लो कोई डिस्टेंस पर्टिकुलर तय करते हैं, तो हम एक एवरेज स्पीड निकालते हैं, भाई इतना लगभग एवरेज स्पीड लगेगी, तो हमें लगभग इतना टाइम लगेगा। अब उस एवरेज स्पीड का मतलब ही क्या होता है कि अब आप उसमें ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई कंटिन्यूसली एक जैसी स्पीड से आप चलते रहते हो, कभी स्पीड कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी जाम आ जाता है, कभी नाश्ता पानी करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि भाई हमने जब टाइम स्टार्ट किया था, यानी जब हम घर से चले और जब डेस्टिनेशन तक पहुँचे, तो कितना टाइम लगा, यानी टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस कितना हमने वहाँ पर कवर किया, उसके हिसाब से निकाली जाती है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है, यही होता है फार्मूला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों तरफ हम आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस दोनों का सेम ही रहेगा, आने और जाने का डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम हम निकाल लेते हैं भाई, टाइम वन यानी डाउन स्ट्रीम, अगर हम गए डाउन स्ट्रीम हम गए तो हमारे पास टाइम लगता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये होगी, और टी टू हमने निकाला तो ये हो गया d अपॉन में x माइनस वाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें स्पीड निकालनी है। अब स्पीड का फार्मूला क्या हुआ, एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही मतलब हुआ, टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना लगा है, हम गए d किलोमीटर, हम वापस भी आए d किलोमीटर, टाइम हमें कितना लगा t1 और t2, तो dd यानी हो गया 2d, और टाइम 1 आपके पास है d अपॉन में x प्लस वाई, d अपॉन में x माइनस वाई। अब जो डिनोमिनेटर है इसका ले लो आप एलसीएम,
अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बना हमारे पास, 2d अपॉन में एलसीएम में आ गया हमारे पास। इसमें से जो d है ना, इसको तो आप कॉमन ही निकाल दो बाहर, उसके बाद एलसीएम लोगे तो लिखना थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब d कॉमन लेने के बाद यहाँ तो बच गया 1। अब 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे x माइनस वाई को, तो x माइनस वाई आएगा, और 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई आएगा। अब इस d से ये d हो गया आपका कैंसिल। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये वाली जो टर्म है ये शिफ्ट हो गई ऊपर, तो एवरेज स्पीड आपकी क्या बनी, ये वाली टर्म ऊपर शिफ्ट होगी तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और नीचे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर ये ऊपर 2 भी है, ये 2 भी आएगा। अब यहाँ पर आपके पास नीचे देखो क्या बचेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 2x। अब इस 2 से 2 कैंसिल कर दो तो फार्मूला हमारा एवरेज स्पीड का क्या बन गया, एवरेज स्पीड x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। तो यानी जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी कि बोट की स्पीड कितनी है और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या है, कुछ ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये फार्मूला याद है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो वही फिर सारा कुछ ये करना पड़ेगा, फिर ये सारे प्रोसेस यूज़ करने पड़ेंगे। क्वेश्चन इसका एक दो नंबर का आना है, इससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आना नहीं है। तो इसलिए डायरेक्ट फार्मूला आपको याद है, प्लस कंपटीशन एग्जाम में आपके काम आएगा। एवरेज स्पीड का फार्मूला डायरेक्ट लगाओ, आंसर निकालो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, कहता है इफ़ ए बोट टेक्स टी आर्स टू रो टू ए सर्टेन प्लेस एंड डी किलोमीटर अपार्ट एंड रिटर्न्स बैक। यानी एक बोट जो है डी किलोमीटर जाती है और वापस आ जाती है, डी किलोमीटर गई डी किलोमीटर वापस आई, और टाइम जो लगाना टोटल टी आर्स का टाइम लगा है, टोटल टाइम दिया हुआ यहाँ पर टी आर्स। तो टी आर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप डाउन स्ट्रीम गए हो तो इतना टाइम लगेगा और अप स्ट्रीम गए हो तो इतना टाइम लगेगा, दोनों का जो टोटल है वो आपको टी दिया हुआ है यहाँ पर। यानी ये वो सिचुएशन है जब आपको आने और जाने दोनों का टोटल टाइम दे रखा हो, तो उस केस में आपका जो फार्मूला है वो क्या बनेगा और कैसे बनेगा। जो हमने अभी अभी फार्मूला लिखा एवरेज स्पीड का, उसी फार्मूले से हम स्टार्ट कर दें। एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारा क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, ये फार्मूला बना। एवरेज स्पीड होती क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना लगा हमारे पास, हमें आने और जाने में डिस्टेंस लगा हमें इतना, टाइम कितना लगा हमें टोटल, टोटल टाइम कितना लगा टी, तो ये टोटल टाइम आ गया। ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अब अगर आप डी का फार्मूला निकालोगे तो टी इधर शिफ्ट हो जाएगा, टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x। ये आपका एक और फार्मूला तैयार हो गया जब आपको d निकालना है, किस कंडीशन में, जब आपको आने और जाने दोनों का टोटल टाइम दे रखा हो तो कितने किलोमीटर आप गए हो, ये आपका सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। अब इसकी अगर दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि आने जाने का टोटल टाइम ना दिया गया हो, आने जाने के टाइम का डिफरेंस दिया गया हो। इफ़ ए बोट टेक्स टी आर मोर इन गोइंग अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि अप स्ट्रीम में स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहां पर जो t दिया हुआ है आपको वो एक्चुअली में t2 माइनस t1 दिया हुआ है, यानी आने और जाने के टाइम का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। उस डिफरेंस के हिसाब से अब आपको यहां पर डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहां पर डिस्टेंस हम फाइंड कैसे करेंगे, t2 और t1 इन दोनों का फार्मूला अप्लाई कर दो। t2 का मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कौन सी लेंगे यहां पर, T2 का टाइम कौन सा होता है, T2 टाइम होता है अपस्ट्रीम का। बस ये चीज़ें ध्यान रखना कि T1 किसका है, T2 किसका है, U क्या है, V क्या है, X क्या है, Y क्या है, बस ये चीज़ अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो ये बन गया आपके पास X माइनस वाई, T1 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये आ गया। अब यहाँ पर D कॉमन निकाल दो तो ये रह गया 1 अपॉन में X माइनस वाई, 1 अपॉन X प्लस वाई, एलसीएम लो इसका, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इधर से आ गया एक्स प्लस वाई,
इधर है माइनस वन से इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इस x से कट गया x, तो ऊपर आ गया आपके पास 2y, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस साइड में यहाँ पर t था, तो इसको आप इधर शिफ्ट करोगे t इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये 2y है ये नीचे आ जाएगा। ये फार्मूला किसका बनेगा हमारा, ये भी फार्मूला d का ही बनेगा, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। पिछला जो फार्मूला था देखो वो भी डी का ही था, पिछला फार्मूला भी डी का था। इस फार्मूले में यहाँ पर क्या है टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में टू एक्स, इस फार्मूले में क्या है टी इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में टू वाई। बस फ़र्क ना यहाँ पर आए और कहीं फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर वाई है और पिछले वाले फार्मूले में यहाँ पर एक्स है, बस ये डिफरेंस है, बाकी इस पूरा फार्मूला सेम है। अब ये डिफरेंस आपको कैसे ध्यान रखना है, जब आने और जाने का टोटल टाइम दिया गया हो तो फार्मूला लगेगा हमारा ये, और जब आने और जाने का डिफरेंस दिया गया हो कि यहाँ पर अप स्ट्रीम जाने में इतना टाइम ज़्यादा लगेगा तो फार्मूला लगेगा ये। दोनों ही डिस्टेंस के फार्मूले हैं, दोनों में बाकी सब चीज़ें सेम है, बस एक चीज़ का फ़र्क है यहाँ पर वाई है और उसमें एक्स है। तो ये पाँच छः फार्मूले थे जहाँ पर डिस्टेंस आने और जाने का बराबर आपको दिया होगा, तो इन फार्मूलों को आप डायरेक्ट अप्लाई करो। बस आपको ध्यान यह रखना है कि स्पीड ऑफ बोट x है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y है, डाउन स्ट्रीम स्पीड u है, अप स्ट्रीम स्पीड v है, और डाउन स्ट्रीम टाइम t1 है, अप स्ट्रीम टाइम t2 है, और टोटल डिस्टेंस d है एक तरफ का। ठीक है, बस ये फार्मूले आपको, ये चीज़ें टर्म्स ध्यान रखो, फार्मूला अप्लाई करो, सीधा आंसर निकालो। बाकी इसके एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे कैसे कैसे आपको इसमें से निकालने हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, कंसेप्ट आपको समझ आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़रूर रिकमेंड करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।